खड़ा कर दिया। ए पीछे पीछे आ यार, अरे आगे गाड़ी आगे आ जाइए, यहाँ पे गाड़ी के सामने गाड़ी खड़ी रहने दो। भूल जाते हैं, अरे आगे फ्लाइट आ रहा है, अरे कहाँ कर सकते हो। गाड़ी को जान दो, रिवर्स जान दो, ए पीछे रिवर्स में ले लो भाई गाड़ी, अंडे पीछे आगे मत जाओ यार, ये कितना आगे जा रहे हैं यार तुम लोग, भूल जाओगे। बैक टू फ्रंट हो जाइए ना, नहीं थैंक यू क्यों बोल रहे हो, हमारा काम है ना। यहाँ पे देखना है उर्फी जी, यहाँ पे तुम भी बोलो, वो सेट चलो यार, वो सेट चलो, सेट लाइट वगैरह नहीं मिल रही है। हाँ उर्फी जी वेट, NFT on 19th. Well, हाल ही में देखा हमने कि उर्फी के ऊपर बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ कहना चाहोगी? रिसेंटली हिंदुस्तानी भाव ने भी बहुत कुछ, नो कमेंट्स ऑन दैट, यू लाइक टू से समथिंग ऑन दैट, नो कमेंट्स ऑन दैट, थैंक यू। एज वेल एज व्हाट यू लाइक टू से अबाउट टुडेज अटायर, ऑल्दो यू हैव अ डिफरेंट कलेक्शंस एवरी नाउ एंड देन। आई जस्ट वांट टू से कि मैं सुधरने को भी तैयार नहीं हूं, सो दैट्स इट, मुझे अभी कोई नहीं सुधार सकता है। मेरा कुलदीप भी अच्छा लगता है, वो तो मुझे पता ही है। बाकी लोगों को बोल देता हूं, ये इनको कैमरे के सामने लेके आओ, इनका आंसर दिखाना है मुझे, है ना? बोल दिया मैंने, थैंक यू सो मच। बिल जब आप सुधारने की बात कर रही है, तो अगर आपको आपका अटायर इतना पसंद है, तो फिर सुधारना क्यों है, कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? ये तो आपको पता होना चाहिए, घर जाके होमवर्क करके आना, समझ जाओगी मैंने क्यों क्या बोला है। यार देख लो यार, मैं मुझे शर्म आ रही है कुछ बोलने, पर इट्स इट वाज फन, यू गाइस विल नॉट एक्सपेक्ट कि मतलब उर्फी को डू समथिंग लाइक दैट। शादी हर साल हम स्प्लिट्सविला में देखते थे कि ओरेकल हमेशा से हर किसी का गेम चेंज करता था, इस साल क्या कुछ गेम चेंजेस होंगे और इस बार ओरेकल में क्या कुछ डिफरेंट देखने? इस बार उर्फी ने ओरेकल का ही गेम चेंज कर दिया। उर्फी जी बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, आई एम फॉलोइंग स्प्लिट्सविला नाउ। बस स्प्लिट्सविला के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप हिंट दोगे, अगर कैसा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा, क्या कुछ, तो फिर दिस इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट Spitzvilla, that's, I mean, it's crazy. इस बार इतना कुछ अलग है ना, that you guys cannot imagine. I mean, and come on, I'm there. So can you imagine मैंने क्या क्या किया है वहाँ पर, my outfits. Like, task चल रहा है ना, I'm only concerned about my outfits. बीच पर मैं heel पहन के, you know, ऐसे तो जा रही हूँ, and I'm like, I'll only perform if my outfit matches the task. Well, first episode में तो हमने देखा था, and उसमें देखा कि सनी and सभी ने टास्क दिया था जहाँ पे रोजेस देने हैं, सो ऐसा ही। आई वाज नॉट देयर इन द फर्स्ट एपिसोड, आई विल बी एंटरिंग नेक्स्ट वीक, वो विल बी द धमाकेदार एपिसोड।
यार अभी बता दूंगी तो धमाका की वो फुसकी बन जाएगी यार। देखो सनी जी ने भी आपकी कुछ तारीफ की थी। She is so cute, she is so sweet, yaar. Matlab, she was so nice to me on the show, I cannot even tell you. And she's just, I was like, when I met her, I was like, you know, she'll show me attitude, ki ye hogi Urfi apni jagah. But she was just like, Urfi, I'm your fan, I love you. And I'm like, did Sunny say that? She's so cute, she's very sweet. Sweetheart. Well, last but not the least, ये सवाल सभी जानना चाहते हैं आपका क्या मेरा बच्चा कब हो रहा है मेरी शादी कब हो रही है उर्फी क्या इतने फैंस है हर किसी लाइक उर्फी के लुक से भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस है लेकिन जब सोशल मीडिया पे इतना कुछ धमाके हो जाए और उर्फी बोले कि नो कमेंट्स तो ये तो नहीं बनता है तो प्लीज उर्फी अगर आप कुछ कहना चाहो किसके बारे में रिसेंटली जो हिंदुस्तानी भाव कह रहे हैं यार अगर आप सही हो तो फिर कुछ तो नहीं इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग ऑन एवरीवन हु हैज अ प्रॉब्लम विद व्हाट आई पुट ऑन माय बॉडी फिर तो कुछ आई एम श्योर आपके रिश्तेदार है जो आपको बोलते होंगे कि आप काम मत करो जीन्स मत पहनो आप सबको रिप्लाई देती हो नहीं देती हो ना आप अपना काम करती हो क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो आपके भी कुछ घर वाले होंगे जो आपको बोलती हो कि माइक लेके चली जाती हो क्यों ऐसे करती हो जीन्स क्यों पहनती हो व्हाई यू बीइंग अ गर्ल जस्ट एक लड़की होना ही अपने आप में प्रॉब्लम है स्पेशली व्हेन यू योर सेल्फ एंड द डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन किसी को जीन्स टॉप नहीं पसंद है किसी को स्कर्ट टॉप नहीं पसंद है हम हर किसी को प्लीज करने नहीं जा सकते व्हाट अबाउट द व्यूअर्स दे आर थिंकिंग गुड अबाउट यू बट द पीपल आर सेइंग एंड इफ उर्फी डजंट से दैट व्हाट दैट मींस मुझे उर्फी हर बार जो कमेंट आते थे वो कुछ अलग होते थे बट इस बार जो हिंदुस्तानी भाव की तरफ से आया है वो बहुत ही अलग है सो आपके जो फैंस हैं उनके भी फ्रेंड्स है जो आपके वो चाहते हैं कि आप बट क्या कमेंट आए क्या कमेंट आए वो आपको खुद पता है उन्होंने क्या बोला बिकॉज़ आप नहीं पता मुझे नहीं आई डोंट नो पर आई थिंक जो बोला था मैंने उसका जवाब दे दिया था एंड दैट्स इट आई डोंट वांट टू ड्रैग इट आई थिंक व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट अ क्राइम बट इफ यू आर थ्रेटनिंग समवन कि वो दैट्स अ क्राइम दैट्स इट आपका यही पे मेरे को वो आ रहा है पीछे से वो जो 6 फीट का आदमी है इसको असली बहुत पसंद है असली को देख के शर्माता है याद है ना असली लेकिन दोनों लेट ही आते हैं कुछ तो काम है थैंक यू मैम बाय